हेलो गेट्सेटफ्लायर्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है कि आप विश्व में हो रहे एक महान प्रोसेस के हिस्सा हो, उसके आई विटनेस हो। दरअसल अफ्रीका के इथियोपियन डेजर्ट में दुनिया का सिक्स्थ ओशन बनने वाला है। यस, सिक्स्थ ओशन, और साथ ही में उस ओशन के साथ बनने वाला है दुनिया का 8th कॉन्टिनेंट भी। और ना ना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो भी कहा है वो शत प्रतिशत सही था, क्योंकि उसके प्रूफ्स है ये और ये। जी हाँ, अब आप भी दुनिया में बन रहे इस न्यू ओशन और कॉन्टिनेंट को देखने का एक हिस्सा बन सकते हो। एंड टू बी स्पेसिफिक, आप इन सब का हिस्सा ऑलरेडी पिछले 17 सालों से बने हुए थे, क्योंकि 17 साल पहले यानी कि 2005 में इथियोपिया में जिस 60 किलोमीटर रिफ्ट के फॉर्मेशन को 10,000 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं नॉर्मली बनने में, वो यहाँ सिर्फ 10 ही दिन में बन गया था। एंड उसके बाद तो रिफ्ट्स पे रिफ्ट्स बनती ही जा रही है। सो अब इन रिफ्ट से कैसे ओशन आएगा और उस ओशन को आने में कितना समय और लगेगा, जानने के लिए आइए देखते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है न्यू ओशन फॉर्मिंग इन अफ्रीका। So, जैसे कि हर कहानी और हर किस्से की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है, बिल्कुल वैसे ही अफ्रीका में फॉर्म हो रहे इस ओशन की भी शुरुआत हुई थी साल 2005 में, जब साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि इथियोपिया के अफार रीजन के अर्थ की तीन टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि द अफ्रीकन प्लेट, द सोमाली प्लेट और द अरेबियन प्लेट साल प्रति साल एक दूसरे से दूर होते जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मरीन जियोफिजिसिस्ट और प्रोफेसर केन मैकडॉनल्ड के हिसाब से अरेबियन प्लेट हर साल अफ्रीका से 1 इंच दूर जा रही है और बाकी के दोनों प्लेट्स पर ईयर 0.2 इंच से दूर हो रही है। हाँ, आई नो कि ये सुनने में काफी कम नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन इफ इसी स्पीड से एक दूसरे से ये अलग होते रहे तो वो वक्त भी दूर नहीं होगा जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरी तरह से स्प्लिट हो जाएगा। एंड उसके स्प्लिट होने से ऑब्वियसली, जैसे कि आप सोच रहे हो, दोनों के बीच में पानी आ जाएगा और उसी से फॉर्मेशन होगा अर्थ के सिक्स्थ ओशन का भी। बट इसी स्प्लिट की वजह से अर्थ को अपना 8th कॉन्टिनेंट भी मिल जाएगा। Yes, 8th continent. But ऐसा कुछ जो मैंने और आपने पिछले 200 मिलियन सालों से ना होते हुए देखा है। अब इफ कोई किम मैकडॉनल्ड नाम का शख्स आके ये कह दे कि ये होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, तो क्या उस बात को मान लेना चाहिए? क्योंकि भैया, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। क्या इतने बड़े स्टेटमेंट को सही मानना सही होगा? Well, शायद हाँ, क्योंकि इनके अलावा हमारे पास इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार एविडेंसेस है। एविडेंस नंबर 1, टेक्नोलॉजी। किन मैकडॉनल्ड के अलावा दुनिया भर के साइंटिस्ट भी अपने एडवांस जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से इन प्लेट्स के मूवमेंट्स पर नजर डाले बैठे, और उनका भी किन मैकडॉनल्ड के जैसा ही कहना है कि हर साल ये प्लेट्स कुछ फ्यू मिलीमीटर्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में आप अपने दोस्तों से दूर और घर पर पड़े पड़े बोर हो गए थे। एविडेंस नंबर 2, रिफ्ट्स। आज से 17 साल पहले यानी कि 2005 में इथियोपियन डेजर्ट में एक 60 किलोमीटर का लंबा सा रिफ्ट फॉर्म होने लग गया था। और ताजुब की बात तो यह है कि 60 किलोमीटर के रिफ्ट को फॉर्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, बट यहाँ उतना ही लंबा रिफ्ट बस 10 दिन में फॉर्म हो गया। इनफैक्ट 2005 के 13 साल बाद यानी कि 2018 में बिल्कुल वैसा ही एक और रिफ्ट अचानक से फॉर्म हो गया इन केनिया। एविडेंस नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। वेल, जियोग्राफिक रिसर्चर्स के कुछ रिपोर्ट से पता चला कि अफ्रीकन और सोमाली प्लेट्स पिछले 30 मिलियन सालों से एक दूसरे से जुदा हुए जा रहे थे, और उन्हीं की जुदाई के कारण अब उन दोनों के बीच एक नया रिफ्ट फॉर्म हो चुका है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। इनफैक्ट ये रिफ्ट इतना बड़ा हो चुका है कि अब तो ये सैटेलाइट व्यू से भी विजिबल हो चुका है। एविडेंस नंबर 4, वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ऊपर बताए गए यानी कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के नॉर्दर्न एंड से लेकर सदर्न एंड तक करोड़ों सालों से वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। इनफैक्ट एल्टा एले, ओल्ड डोइनो लेंगाय और डाला फिला जैसे कुछ कुछ वोल्केनोस तो 50 साल में कई दफा इरप्ट भी हो चुके हैं। तभी तो एफआर रीजन के वोल्केनोस को पूरी दुनिया के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस का टाइटल मिला है। अब कमिंग टू द पॉइंट, बेसिकली इन वोल्केनोस के बार बार इरप्ट होने की वजह से पूरे रीजन में अर्थ का अपर मोस्ट क्रस्ट बचा ही नहीं है। Yes, frequent volcanic explosions की वजह से अब वहाँ अर्थ क्रस्ट के बदले हर जगह बस रिफ्ट ही रिफ्ट और वोल्केनिक रॉक्स ही नजर आते हैं। अब यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस के कारण वोल्केनिक रॉक्स का बनना तो समझ आता है, बट आखिर उस बात से अर्थ क्रस्ट का गायब होना और रिफ्ट के पैदा होने का क्या कनेक्शन है? Well, अर्थ का सबसे बाहर वाला लेयर यानी कि लिथोस्फीयर ठंडा और रिजिड होता है कंपेयर टू ऑल दी अदर लेयर्स ऑफ अर्थ, जो कि गर्म और मोल्टन होते हैं। Now for example, मान लो कि आपने चाय गर्म करने के लिए रखी है जिस पे ऑलरेडी एक मलाई की लेयर मौजूद है। सो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे जैसे चाय गर्म होगी और उबलेगी, वैसे वैसे वो मलाई के लेयर में क्रैक्स आने लगेंगे और उसको चीर देगी।
बस एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ यहाँ पर भी, जहाँ अर्थ का लोअर मोस्ट लेयर एस्थीनोस्फीयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तब इट नीड्स टू रिलीव सम हीट आउट, एंड उस हीट को रिलीज वो गर्मा गर्म मोल्टन मैग्मा के रूप में करता है, जो मलाई यानी कि अर्थ का अपर मोस्ट लेयर लिथोस्फीयर को चीरते हुए जमीन से बाहर निकलता है, एंड दैट चीरना इज नथिंग बट रिफ्ट्स। अब इसी प्रोसेस के रेपिटेटिव प्रोसेसिंग की वजह से अर्थ का क्रस्ट वीक हो जाता है, जो फिर दिन ब दिन पतला बनता जाता है, एंड एट द एंड वो उतना पतला हो जाता है कि वो तो गायब ही हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। ऐसा ही कुछ सेम आज से 300 मिलियन साल पहले हो चुका है ऑलरेडी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ पांजिया। अब जिसे ना बताओ उन्हें मैं बता दूं कि 300 मिलियन साल पहले अर्थ के सारे लैंड मैसेस एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे, एंड दैट कॉन्टिनेंट वॉज नोन एज पांजिया, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी पुकारा जाता था, एंड दिस सुपर कॉन्टिनेंट वॉज सराउंडेड बाय एन ओशियन नेम्ड पैंथलासा। बट एक वक्त के बाद जब उन कॉन्टिनेंट्स के बीच बार बार हॉट एलिमेंट्स लाइक सिलिकेट रॉक्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के एक्सप्लोजर्स होने लगा, तब जहां जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बॉर्डर्स मिलते थे वहां वहां क्रैक्स आए, और उन्हीं क्रैक्स के चलते सबसे पहले तो पूरे पांजिया के दो हिस्से हो गए, जिसका नाम पड़ा लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, एंड उसके बाद उन दो हिस्सों में भी क्रैक्स आए और फिर वो भी धीरे धीरे करके स्प्लिट हो गए। लेकिन एक मिनट, डिड यू नोटिस इट कि कई सदियों पहले भी जमीन में क्रैक्स आए थे, जैसे आज अफ्रीका में आ रहे हैं, और तभी भी वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे जैसे आज हो रहे हैं, तो क्या इससे ये कहा जा सकता है कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है, और जैसे तब उन क्रैक्स में पानी भर गया था और एक ओशन फॉर्म हो गया था, ठीक वैसे ही आज भी होने वाला है। Well, उसे जानने से पहले इस बात को जान लेते हैं कि आखिर एक सुपर कॉन्टिनेंट से ये सात कॉन्टिनेंट्स एग्जैक्टली बने कैसे। Now, we all know, right, कि अर्थ के मैसिव स्लैब्स यानी कि तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, और उन्हीं मूव्स की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन भी मूवमेंट में ही रहते हैं। सो कभी कभी जब उस मूवमेंट में दो स्लैब्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तब उनके बीच एक गैप बन जाता है, एंड उसी गैप का फायदा उठाते हुए अर्थ का मैंटल हॉट मैग्मा रिलीज करना चालू कर देता है। और अब तो हम ये जान ही चुके हैं कि ये प्रोसेस लैंड पे होती है तो वहां रिफ्ट पैदा होता है, या तो फिर अर्थ क्रस्ट वीक हो जाता है। बट इफ यही सेम प्रोसेस ओशन के बीच में होता है तो वहां एक माउंटेन फॉर्म होने लगता है, या फिर अर्थ का, या इवन कहो सी का एक न्यू लेयर या क्रस्ट बन जाता है। और ये इसीलिए क्योंकि जब मैग्मा पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तब वो इंस्टेंटली कूल होने लगता है, एंड रिजल्टिंगली वो पत्थर बन जाता है, जहां वो या तो एक फ्लोर या फिर एक माउंटेन का फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हवाई। हवाई के नीचे एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट मौजूद है जो सदियों से मैग्मा रिलीज करके माउंटेन्स पे माउंटेन्स बनाए जा रहा है, और क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स पे माउंटेन्स डूबते भी जा रहे हैं। उसी प्रोसेस के चलते हवाई में आज एक चेन ऑफ माउंटेन्स बन चुके हैं, नोन एज दी हवाई एम्परर सीमाउंट चेन। इस फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन से एक और चीज होती है, विच इज श्रिंकिंग ऑफ द ओशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ओशन का पूरा श्रिंक हो जाना। But how is that even possible? It is, क्योंकि जब जब एक लैंड फॉर्म होता है तब उसको जगह देने के लिए ओशन अपनी कुछ लैंड अर्थ के क्रस्ट में ढकेल देता है। ये इसीलिए क्योंकि अर्थ का तो साइज फिक्स्ड ही है, वो तो बड़ा होने से रहा, तो नेचर वर्क्स इन सच अ वे कि जब न्यू जमीन फॉर्म होती है तब ओल्ड जमीन क्रस्ट में खिसक जाती है। एंड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ये जमीन पैसिफिक ओशन की खिसकती है। कई सारे रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा गया है कि द पैसिफिक ओशियन इज स्लोली श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ 0.5 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि 0.19 स्क्वायर माइल्स पर ईयर ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। ये नंबर आपको सुनने में कम लग रहा होगा, बट इफ इसके रिजल्ट्स को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बिल्कुल सही देखा, अगले 100 मिलियन ईयर्स में सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से पहले के जैसे फिर से जुड़ जाएंगे, विच विल फॉर्म अ न्यू पांजिया एंड विल बी नोन एज नोवो पांजिया। बट क्या ये नोवो पांजिया को लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? या इट विल रिजल्ट इन अ ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन एंड विल इन्फ्लुएंस वॉर, या फिर ऐसा होगा कि जब तक ये नोवो पांजिया बन जाए अर्थ पे कोई होगा ही नहीं और हम सब मार्स पे चले गए होंगे या फिर आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या होगा हमारा फ्यूचर? लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही में अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स इट बाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एंड एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।